नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ एक बार फिर से बात करेंगे वेदांता के स्टॉक के ऊपर। वेदांता के शेयर की बात की जाए तो आज फिर से आपने इस स्टॉक में गिरावट देखी है, तो काफी सारे लोग कह रहे हैं भाई आपने कल कहा कि एवरेज शुरू कर दो, तो हमने एवरेज कर दिया, अब ये स्टॉक दोबारा टूट गया। तो भैया एक दिन में पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं बनता है, समय देना पड़ता है। मैं चिल्ला चिल्ला के हर वीडियो में कहता हूँ कि एक दिन, एक महीने, तीन महीने का खेल है ही नहीं स्टॉक मार्केट। आप परमानेंट इनकम ढूंढने की कोशिश करो स्टॉक मार्केट में, आप अपने हिसाब से पैसा बनाने की कोशिश करो स्टॉक मार्केट में, तो उसके लिए ना आपको लॉस भी लेने पड़ते हैं, उसके लिए आपको ट्रेडर बनना पड़ता है। जहां पे 10 में से एक ही बंदा पैसा बनाता है, और वो जब खुद पैसा बना रहा है ना, उसमें वो सरकार को पैसा दे रहा है, ब्रोकर को पैसा दे रहा है, एक्सचेंजेस को पैसा दे रहा है, सेबी को पैसा दे रहा है, तो हर जगह पैसा दे रहा है। उसके प्रॉफिट में आधा पैसा तो उसका टैक्सों में ही निकल गया, बचा थोड़ा बहुत वो कमा रहा है। और एक और बात बताना चाहता हूँ, जो ट्रेडर है वो बस आपको स्क्रीन पे, यूट्यूब पे, शॉर्ट में, रील में ये दिखते हैं भैया इतना पैसा उतना पैसा, एट द एंड ये एफडी को भी बीट नहीं कर पाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म में ये एफडी रिटर्न्स को भी बीट नहीं कर पाते हैं। कोई ट्रेडर खुद पैसा नहीं बना रहा है, ये आपको अपने स्क्रीनशॉट दिखा दिखा के, और वो भी एडिटेड स्क्रीनशॉट्स दिखा दिखा के आपको कोर्स बेच रहे हैं, आपके साथ जुड़ रहे हैं, आपको ट्रेड करा रहे हैं, आपसे फीस ले रहे हैं, और इस तरीके से काम चल रहा है। यहाँ पे उनका पैसा ये इनकम का सोर्स है, और खुद ट्रेडिंग से पैसा अगर बनता तो कोई बंदा क्यों फिजूल की मेहनत करेगा, डायरेक्ट करेगा। इन्वेस्टमेंट समय लेता है, आराम से बैठो खरीद के बड़ा पैसा बनेगा, लेकिन आप डेली बेस पे बनाने की कोशिश करोगे, ये शेयर बाजार है, कोई नौकरी नहीं है जो आपको टाइम टू टाइम पैसा देगा। यहाँ पे पूरी साल का पैसा एक हफ्ते में बन जाता है, पूरी साल का पैसा एक महीने में भी बन सकता है, और हो सकता है पूरी साल भी ना बने, 5 साल बाद बने, लेकिन 5 साल का पूरा पैसा एक महीने में बन जाए। कितने ऐसे एग्जाम्पल है, टाटा एलेक्साई 2015 से 2020 तक वही 700,000 घूमता रहा, लेकिन वो 700,000 वाला 10,000 हो गया, नहीं हो गया 21 में, तो ये पूरी साल का पैसा बन गया 5 साल का। तो शेयर मार्केट टाइम लेता है, लेकिन पैसा देता है अगर अच्छे स्टॉक में खरीदारी करी है। इनफैक्ट अगर खराब स्टॉक भी पड़ा है ना, वो भी 5 साल में आपको एक दो बार मल्टीबैगर बनते हुए दिखता ही दिखता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ब्लू चिप लार्ज कैप स्टॉक्स आपको धोखा देते ही नहीं है, वो कंटिन्यू धीरे 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 ऊपर जाते रहते हैं। तो अब आपको पहले ये डिसाइड कर लेना है कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं चाहता क्या हूं, मेरा समय सीमा क्या है। ये सारी चीजें अपने आप से ही क्लियर कर सकते हो आप, मेरी किसी और की पढ़ के लिख के नहीं बनेगा पैसा। आपको पहले इतना तो डिसाइड करना होगा कि लंबे समय के लिए मेरा मेन इनकम का सोर्स कुछ और है, अभी मैं स्टॉक मार्केट में केवल निवेश कर रहा हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। और अब बात करते हैं वेदांता की, तो 233 रुपए पे फर्स्ट एवरेज का हमने कहा था आपसे, अब आज भी 234 की क्लोजिंग है, कोई नीचे नहीं आया अभी लेवल से, 233 पे मैंने आपके साथ शेयर कराया। अभी भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये स्टॉक टूटेगा, 220 रुपए तक का व्यू है मेरा, टूटेगा तो अभी हमने 20% लगाया है ना, 100 रुपए में से 20 रुपए लगाए हैं, बचा हुआ 30 रुपए 220 रुपए पे लगाना है, इस तरीके से 50% कैपिटल का एलोकेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको जो रेस्ट ऑफ योर 50% जो बचा है आपका 50%, उसमें हम वेट करेंगे, देखेंगे कि ये जो स्टॉक है 220 के करीब रुक रहा है, थम रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है या और गिर रहा है, जो व्यू बनेगा फिर बचा हुआ 30% और लगाएंगे, और लास्ट का 20% रिवर्सल पे लगाएंगे, यानी कि जब टेक्निकल चार्ट्स पे ब्रेकआउट होगा। ये स्ट्रेटेजी मैंने आप सभी के साथ काफी बार शेयर करी है, और इसी तरीके से इसमें आपको काम करना है। आप कहो कि 235 पे मैंने एवरेजिंग स्टार्ट कर दिया, आपने सारा लगा दिया, कल 220 हो गया, आप तो हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, आपको भाई आपके चक्कर में एवरेज कर दिया तो और टूट गया, मैं क्या करूं अब। नहीं भैया, 20% ही लगाना है, बचा हुआ 30 फिर वहां लगाना है, फिर और 30 लगाना है हमें, उसको देखते हुए बचा हुआ 20% हम लास्ट मूव पे लगाएंगे। इस तरीके से एवरेजिंग करनी है स्टॉक की, और यही अगर आप करते हो तो डेफिनेटली मैं आपके साथ कह सकता हूँ कि वेदांता आपको पैसा बना के देगा, ट्रस्ट में। और वेदांता की डिविडेंड डील से ही आप कुछ ना कुछ तो बना लोगे अगले 5 साल में, मैं इतना ही बता दूं। 2015 से अभी तक वेदांता ने ऑलमोस्ट 225 रुपए 25 पैसे का डिविडेंड बांटा है, जिसमें से पिछले 2 साल में ही वेदांता ने ऑलमोस्ट 130 रुपए के करीब का डिविडेंड बांटा है। तो बड़ा डिविडेंड कंपनी दे रही है बीते 2 साल से, तो और लंबे समय में देखा जाए तो वो डिविडेंड धीरे धीरे कभी कम कभी कम कभी ज्यादा होता रहता है, लेकिन देता है कंपनी, डिविडेंड कंटिन्यू दे रही है। तो यहाँ निश्चिंत होकर बैठो, वैल्यूएशन वाइज कोई टेंशन नहीं है। हाँ, डेट की टेंशन है, वो टेंशन खत्म होगी, क्योंकि वेदांता बहुत पुराना ग्रुप है, पुराना मैनेजमेंट है, संभाल लेंगे, उन्हें पता है कैसे टैकल करनी है परेशानियां, और शुरू से वेदांता इस तरीके से करता है, डेट लिया, इसे दिया, उसे दिया। अभी इनके लिए प्रॉब्लम ये हो गई है कि इनकी रिफाइनेंसिंग रिस्क को क्रेडिट रेटिंग ने डाउनग्रेड कर दिया है, इसीलिए रिफाइनेंसिंग रिस्क जब हो जाती है तो आपको दूसरा बंदा जल्दी से पैसा नहीं देता पैसा चुकाने के लिए,
तो यहाँ इसीलिए प्रमोटर्स बेच रहे हैं और भी कुछ ना कुछ तिकड़म करेंगे, कभी स्टॉक्स प्लेज करेंगे और इस तरीके से डेट को डेफिनेटली पे करेंगे और स्टॉक का प्राइस भी दोबारा रिबाउंड करेगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेटेड वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।